अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज ये वीडियो जो है ज्योमेट्री के हवाले से है। इस वीडियो में हम लाइंस को डिस्कस करेंगे कि लाइंस कितनी टाइप्स की होती हैं और कैसी होती हैं और हम लाइंस को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं और उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लास फोर और क्लास थ्री के बच्चों के लिए परफेक्ट वीडियो है। ओके, लाइंस कितने टाइप्स की होती हैं। पैरेलल लाइंस होती हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं, परपेंडिकुलर होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। और ये मैं बुक का रेफरेंस दे के भी आप लोग को दिखाऊँगी क्लास फोर की बुक से कि उसमें ये चैप्टर है और उस चैप्टर को हम किस तरीके से, लाइंस के चैप्टर को किस तरीके से पढ़ सकते हैं और किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं और किस तरीके से अपने लाइंस के चैप्टर को समझ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इन टू फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं कुछ पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में बता रही हूँ। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस आप लोग ये देख सकते हैं, आपस में जो है वो इस तरीके से हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। आपस में हम सामने, मतलब एक दूसरे के आमने सामने या बराबर बराबर जो होती हैं वो बिल्कुल पैरेलल होती हैं। यू ऑलरेडी नो द पैरेलल लाइंस आर लाइन डेट आर ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट, मतलब सेम डिस्टेंस से हो और क्रॉस द इंटरसेक्ट ईच अदर हो, मतलब हम उसको इंटरसेक्ट भी कर सकते हो इस तरीके से, इस पोजिशन में हो। ठीक है, आज ये जो है हमारे पास एग्जाम्पल पैरेलल लाइंस की है। इंटरसेक्टिंग लाइन जो क्रॉस कर जाए, ठीक है, पैरेलल पोजीशन में ही हो लेकिन जो है वो इंटरसेक्ट कर जाए, वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। इसके बाद हम परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइन व्हेन दे क्रॉस दे ऑलवेज अ राइट एंगल, मतलब ये राइट एंगल पे कट हो रही हो। आपने जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस देख ली जो क्रॉस हो रही है, लेकिन ये जो है ये 45 डिग्री पे नहीं है, लेकिन ये है 90 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल आ रहा है। स्ट्रेट एंगल जिसमें आए वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से भी, नाउ लुक दिस एट द पेयर ऑफ लाइंस, इस तरीके से भी देख लीजिए, ये भी ये नॉन पैरेलल है। ये इज दिस पैरेलल? अगर आपके पास क्वेश्चन आए आप पहचान लेंगे कि ये कौन किस तरह की लाइंस है। अब देखिए ये मेरे पास आ गए क्वेश्चन, फॉर ईच पेयर ऑफ द लाइंस पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग। हमें तीनों में बताना है कि पैरेलल क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और इंटरसेक्टिंग क्या होता है। अब ये आप बताइए, ये विच लाइन इज दिस, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग? नंबर ए, खिजर आप बताइए। ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, क्या है ये? इंटरसेक्टिंग, क्रॉस हो रही है, आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग है। क्या है? और ये वाली, ये है, इसमें 90 डिग्री बन रहा है, इसमें 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा जी, अब ये बताएंगे खजर कि ये कौन सी लाइन है। जी खजर, ये आप, अभी हमने जो इतना सारा डिस्कशन की, अब ये आप बताइए कि ये कौन सी लाइन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग बार यूजिंग रूलर। रूलर की हेल्प से जो है हमें इसकी सेंटीमीटर्स या मीटर जो है वो फाइंड करने हैं। चले जी, इसको हम फाइंड करते हैं। ये हमारे पास रूलर है, रूलर की एक साइड इंच होती है और एक साइड सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसमें गिवन भी है, ये साइड इंच है और दूसरी साइड जो है वो सेंटीमीटर है। जी देख रही है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वाली साइड ले जाएंगे क्योंकि हमें फाइंड किस में करनी है, सेंटीमीटर्स में करनी है। ठीक है, तो वन वाली हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, ज़ीरो का स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो पहले आएगा। ठीक है, और बिल्कुल इसको लास्ट में रखेंगे। अब चेक करेंगे ज़ीरो कॉर्नर पे है और ये कितने सेंटीमीटर्स आ रही है, 5 सेंटीमीटर्स। तो हमारा आंसर इधर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, अब नेक्स्ट खिजर आप करिए, आप रखिए और मुझे ज़रा बताइए कि ये कितने आ रही है, कितनी सेंटीमीटर आ रही है। स्टार्टिंग पॉइंट ज़ीरो पे रखिए और ये कहाँ तक आ रही है, 8.3 सेंटीमीटर। 8.3, गुड। तो आप लिख दीजिए 8.3 इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट भी हम कर लेते हैं फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करो थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री मेजर करके मुझे दिखाओ। यह है 4.2।
ठीक है लिख दो। अब मैं ये समझाने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट फॉर द गिवन मेजरमेंट, ठीक है। 3.7 की हमें क्या करनी है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट फॉर द गिवन मेजरमेंट। अब जो भी मेजरमेंट दी हुई है ना, उसको देख के हमें अपनी खुद मेजर करनी है। अब हम आंसर कैसे करेंगे, ए लिखेंगे और 3.7 सेंटीमीटर्स की मार्किंग करेंगे, ठीक है। सबसे आसान तरीका ये है कि एक जीरो पे मार्क लगाओ और 3.7 कहाँ आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 यहाँ पे आ रहा है ना। ये हमने तीनों जगह पॉइंट लगाया और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट कितने सेंटीमीटर्स की हो गई, 3.7 सेंटीमीटर्स की। चलो खिजर बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी की, 6.1 सेंटीमीटर्स। तो अब हम देखते हैं खिजर सही बना रहे हैं नहीं बना रहे। 6.1 तक लेके जाते हैं, 6.1 और ये इन्होंने लिखा 6.1 सेंटीमीटर्स की ये लाइन बी जो है वो इन्होंने ड्रॉ कर दी।